हम जब शहरों में ये कॉमन चीज है कि जब सड़क की बनाई जाती है तो उसके कुछ ही महीनों बाद में या 1 महीने या 2 महीने बाद में कुछ अलग से प्लान आता है कि नहीं, अब ये अमृत योजना की तरह से खुदाई करनी है, पता चलता है फिर सीवर के लिए खुदाई करनी है सड़क को, कभी लगता है कि पानी की पाइप डालने तो उसके लिए खुदाई करनी है। तो ये सर मेरे को लगता है 1 साल में लगभग 2 बार सड़क खुद जाती है, एक बन पाती है नहीं, तो इसके लिए कुछ अलग से प्रोसेस है क्या कि नहीं सड़क बन जाएगी तो खुदाई के पानी के लिए अलग से लाइन डालेगा तो सड़क बनाएगा कौन उसके बाद में? अगर सीवर की लाइन डालेगा तो सड़क खुदने के बाद में सड़क बनाएगा कौन, या सड़क डिपार्टमेंट बनाएगा कि सीवर वाले अलग से? अब दूसरा सर ये हो गया है अभी कि हम पूछते हैं कि ये सड़क ये सीवर डल रहा है तो वो कह रहे नहीं वो तो सब अमृत योजना वाले आएंगे वो बनाएंगे सड़क आपकी क्योंकि उन्होंने खुदाई की है। पीडब्ल्यूडी वालों को बोलते हैं नहीं तो वो अमृत वाले बोलते हैं हमारा काम तो सिर्फ नीचे से पाइप डालने का है सीवर का और पानी का, बाकी सड़क का काम वो वाले डिपार्टमेंट करेगा। तो इस सब में ये सर हम घूमते रहते हैं, बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो इसके बारे में सर थोड़ा सा हमें बताइए। हमें लगता है जैन साहब हमारे बीच में उनका 1 बजे तक मैं रह आ जाता है गया, कि आ गया आ गया, आ गए कनेक्शन सर। चला हाँ गया था जी जी मोबाइल पर, आ गया भाई, ये लाइट चली गई तो मोबाइल पर आना पड़ा, ओके सर जी। लाइट चली गई तो मोबाइल हमारे पर आया राज फोन। राज जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल से भी अच्छा रहता है नेट, बस उसमें आप वीडियो अपना ऑन कर लें। और राज तिवारी जी ने प्रश्न अपना पूछा है सीवर लाइन प्रोजेक्ट से संबंधित, इनका कहना है कि ये जो अमृत योजना और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बार बार रोडों की खुदाई होती है, कभी पाइपलाइन डालना है तो कभी कुछ डालना है तो कभी केबल डालना है और फिर रोड खोद करके छोड़ देते हैं। तो अभी अगला आपका क्या राज तिवारी जी प्रश्न था कि अगला कंस्ट्रक्शन का काम ये रोड ठीक करने का किसका रहता है? जी सर बिल्कुल, क्योंकि सड़क उनको बोलो अमृत वालों को कि आपने सड़क खोदने के बाद सड़क तो बनाना चाहिए ना, तो वो बोलते हैं हमारा काम सिर्फ ये पाइप डालने का है, अंदर पानी पहुंचाना और सीवर लाइन खोदना, बाकी सड़क डिपार्टमेंट वाले जाने उनको सड़क बनानी है कि ऐसे डाल के रखनी है। सड़क वालों से पूछो कि भैया सड़क तो बना दो, टूटी पड़ी हुई है ये, तो उनका कहना है कि साहब हमने तो एक बार बना दी, बाकी काम तो जिन्होंने खोदी उनसे जाके बात करो, वो बनाई है अभी। तो ये नगर निगम प्लस ये अमृत योजना की अलग से योजना चली है, इन दोनों का आपस में ही सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, उसके बीच में जनता परेशान होती रहती है। ये आपका आपका कहना बिल्कुल सही है, अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग काम करते हैं, उनका टाइमिंग सही नहीं रहता है, एक्चुअली ये कोऑर्डिनेशन का अभाव है। और ये काम प्रशासन को करना पड़ता है, चाहे कलेक्टर करे या एसडीएम करे, जो सभी विभागों को जोड़ के सभी विभागों से चर्चा करके, क्योंकि होता ही है इधर सड़क बनी उधर खुदाई करके डैमेज कर देते हैं, पर तो ये ये आपको कोऑर्डिनेशन मेरे ख्याल प्रशासन का से काम सर मैं डिस्टर्ब करूंगा, ये आप जो बता रहे हैं ये गलत बता रहे हैं आप सर, क्योंकि जो टेंडर होता है उसमें टेंडर में ये स्पष्ट लिखा होता है कि जिस स्थिति में हमारी चीजें थी उस स्थिति में हमको वापस चाहिए, वो अमृत हो, जेएनएनआरएम हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या वर्ल्ड बैंक हो, कोई भी काम हो उसके टेंडर के क्लॉज में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि जैसा था वैसा करके देना है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे आपने सड़क बना ली और नाली खोदने वाले आ गए तो वो सड़क को डैमेज करेगा तो कौन बनाएगा उसको? नहीं, सड़क को डैमेज करेगा, जो इसलिए डैमेज उसको किया जिसको परमिशन दिया जाता है सर, मैं आपको 1000 लीटर दे दूंगा, जो परमिशन देता है, सपोज दैट अगर पीडब्ल्यूडी के रोड पे सीवर डालने की परमिशन नगर निगम लेती है, नगर निगम का काम सीवर डालना है, पीडब्ल्यूडी का काम नहीं है, सीवर डालने के लिए पीडब्ल्यूडी लिख देती है कि जिस स्टैंडर्ड से हमारा रोड बनाया गया था उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए एज इट इज जैसा था वैसा आप करके देंगे। उसमें उसमें तो आता है, पीडब्ल्यूडी में तो ये प्रोसेस है और परमिशन राइटिंग में, और जिस स्थिति में खोदा है उस, लेकिन मेरा नगर अनुभव है, निगम के जो, मैं नगर देखिए निगम से अर्बन जो डिपार्टमेंट में, जो नगर निगम अर्बन से जो डिपार्टमेंट में, जो बात अलग बता अलग रहा हूँ डिपार्टमेंट में, उनमें ऐसा नहीं है। नहीं, सभी डिपार्टमेंट जहाँ में सर अर्बन डिपार्टमेंट मैं में, जो अलग अलग नोबल डिपार्टमेंट मैं कुछ कहना चाहूंगा इधर। मेरा ये कहना है जी जी कि परिसर में जो कंट्रोलिंग बॉडी है, अगर समझो निगर नगर पालिका है, तो नगर कोई भी रास्ता खड्डा किसी काम के लिए खड्डा करने के पहले उनकी परमिशन ली जाती है। और कुछ जगह में ऐसे कायदे किए जाते हैं, वो रीइंस्टेटमेंट चार्जेस ले लिए जाते हैं। समझो अगर मुंबई में ऐसे होता है कि समझो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, उनको खड्डा करना है, तो बारिश के टाइम में तो खड्डा करने परमिशन ही नहीं दी जाती है, एज एन एमरजेंसी ओनली वो एमरजेंसी सर्विसेज जितने हैं उतना ही खड्डा कर सकते हैं। जैसे बिजली गई, अगर उनको खड्डा करना है उतने के लिए देंगे परमिशन। अगर बाद में जो है हर एक डिपार्टमेंट से रीइंस्टेटमेंट चार्जेस लिए जाते हैं, उसकी उसका जो वापस जो उसी ढंग से बनाने के लिए जो चार्जेस रहते हैं उस पर्टिकुलर एजेंसी से लिए जाती है, और ये बहुत जगह में लिया जाता है।
एक चीज रहता है परमिशन देते समय उस ढंग से उसी ढंग से बनाने की ऑर्डर दिया जाता है, अगर नहीं ऑर्डर दिया जाता है तो उनके डिपॉजिट से माइनस करके काम किया जाता है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े कोई भी बड़े कॉन्ट्रैक्ट अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में दिया जाता है तो पूरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया के अंदर सारी रोडे जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की होती है कि किसी प्राइवेट बॉडी या अदर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। नहीं नहीं बहुत अभी समझो मैं मुंबई में रोड्स जो हैं कुछ स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, कुछ रोड्स एमएमआरडीए के अंडर है, यानी मतलब एक बॉडी क्रिएट गई है, कुछ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर है। सर वो महानगरपालिका, वो महानगरपालिका, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये रोड कंट्रोल बहुत जगह में अंदर, अभी समझो कुछ है नेशनल हाईवे के अंडर है तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी करेगी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी करेगी। नेशनल हाईवे भी कई जगह स्टेटों में स्टेट गवर्नमेंट के पास है, नेशनल हाईवे भी कई। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अपनी बात को ही पकड़ रख रहे हैं। मेरा कहना है कि कुछ कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, कुछ नेशनल हाईवे के अंदर ही है, तो नेशनल हाईवे की जिम्मेदारी है वो करना। अगर समझो कुछ टोल रोड है, टोल रोड है तो टोल वाले की जिम्मेदारी है रिपेयर करना, और टोल वाले का परमिशन चाहिए। तो ऐसा थोड़ी है कि कभी भी आप खट्टा करोगे और स्टेट गवर्नमेंट करते बैठेगी, ये नहीं हो सकता है। इसके लिए भी प्रोसेस है, कायदे कानून है, और डिफेक्ट लायबिलिटी की, और याद रखिए डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के भीतर अगर किसी को भी खट्टा करना है तो वो उस स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के बगैर कोई भी खट्टा नहीं कर सकता है, क्योंकि डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड विदाउट वो कॉन्ट्रेक्टर के कॉन्फिडेंस में अगर नहीं लिया तो वो जिम्मेदारी नहीं लेगा। डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड कैसे है, रोड खराब होने के बाद में जिम्मेदारी उठती रहती है, हमने खराब कर दिया तो भर दो, ये नहीं होता है, उसके लिए रीइंस्टेटमेंट चार्जेस लिए जाते हैं। सर दूसरा मेरा ये बोलना था सर कि कभी हमने देखा है कि जैसे एक रोड बनी है तो कभी कभी तो उस रोड के ऊपर ही रोड डाल देते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि रोड को पूरा खोदते हैं उसके ऊपर से फिर और ज्यादा रोड बनाते हैं। मेरा कहना है ये सब आप नहीं नहीं ये सब आप देख के बोल रहे हैं, ये सब आप, मैं बोलता हूँ इधर जितने भी बैठे सब लोग देख के बात कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है, वो देखना अलग है और हाथ में कागज रह के बात करना अलग है। आपने बोला कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा होती है वहाँ पे कंक्रीट रोड बनाते हैं, ऐसा कहीं नहीं है। अगर आप उसका भी पढ़ेंगे तो कंक्रीट रोड हाईवे पे कंक्रीट रोड क्यों बना रहे हैं, एनएचआई जो कंक्रीट रोड बना रही है उस पर क्या लेना देना उसका, अरे उसमें क्या लेना देना, मतलब कंक्रीट रोड बनाने के बाद में आप खड्डा करोगे तो उनको पूछना पड़ेगा ना। अरे सुनिए जरा, जब कंक्रीट रोड बनते हैं रोड के पास थ्रू होने के लिए अंदर डक्टिंग बना देते हैं, तो जिसको पानी की लाइन लेनी है वो डक्टिंग से लेना पड़ेगा, उनको डक्टिंग कोई काम नहीं होता है आजकल कंक्रीटाइजेशन। आप डक्टिंग बनी नहीं है तो डक्टिंग बना के लेना चाहिए, रोड थोड़ी हर बार छोटा कर सकते। देखो रोड बनते समय सिर्फ हमारे आंखों को जो दिखता है या आपके जो वाटर लाइन वाले हैं इलेक्ट्रिकल लाइन वाले हैं जो करते हैं वो दिखता है, वो सही नहीं है। आपने देखना चाहिए कि उस कॉन्ट्रैक्ट में डक्टिंग बनाया हुआ है कि नहीं, उस कॉन्ट्रैक्ट में पानी की लाइन डालने के लिए प्रोविजन की गई है कि नहीं, ये सब देखना पड़ेगा। और रीइंस्टेटमेंट चार्जेस जो भी काम करेगा वो प्राइवेटली करे या कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट करे, उन अथॉरिटी की परमिशन चाहिए, उसके बगैर कोई नहीं कर सकता है। अगर वो कर रहे हैं तो वो गलत है। मुंबई के लिए ठीक है जो आपने कहा सर, लेकिन जैसे उन्होंने भी कही जो बात कही है वो बाकी स्टेट्स में वो स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर इतना प्लांट डिजाइन नहीं रहता है। नहीं, देखिए मेट्रो सिटीज में ये प्लान होता है, नॉन मेट्रो सिटीज में अगर प्लान नहीं होता है तो वो गलत है, आप प्लान करवा के ले लो। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप ये बात जो बोल रहे हैं कि वो गलत है, पर मतलब उनकी बात को अपन इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा स्थिति है। नहीं नहीं देखिए स्थिति है तो वो स्थिति को सामने लाने की जरूरत है, स्थिति है इसका मतलब ये नहीं कि माफ किया जाए। आप मिक्स मत करो इशू को, जो स्थिति है उसको सुधारना तो पड़ेगा ना। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट में जो रीइंस्टेटमेंट चार्जेस या रिकवरी चार्जेस डिपॉजिट चार्जेस, अगर कोई डिपॉजिट दे के अगर काम नहीं कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। अभी वो गलत चीज को सामने तो लाना चाहिए। कोई भी काम, कोई भी यूटिलिटी अदर देन दी स्टेट,
अगर रोड मैन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होवे या प्राइवेट इलेक्ट्रिसिट होवे, पानी देने वाला होवे या कोई भी होवे, उसका काम है कि डिपॉजिट दे के काम करना है, डिपॉजिट वापस दिया जाता है अगर काम सही किया, कुछ खराब नहीं किया होगा तो, नहीं तो उस डिपॉजिट से माइनस करके उसका काम किया जाता है। तो ये रीइंस्टेटमेंट चार्जेस, कुछ जगह में रीइंस्टेटमेंट चार्जेस लेते हैं, यानी वो बोलते हैं कि यूटिलिटी को खटा करने देंगे, पानी डालने देंगे, लेकिन वो रोड बनाने की जिम्मेदारी वो खुद डिपार्टमेंट लेती है या कॉर्पोरेशन लेती है या काउंसिल लेती है, जो भी लेती है, उनको जैसे परिसर के लिए रिक्वायरमेंट रोड है उस ढंग से बनाते हैं। कुछ जगह में ऐसे है कि हमको जैसे है वैसे बना के दे दो, तो जैसे है वैसे बना के दे दो तो लोगों का देखना ये है कि भाई उसके मापदंड के हिसाब में वो बना रहे हैं या मापदंड का डिटेल दिया गया है कि नहीं, उस इसको वो देखना जरूरी है। हम मुंबई में तो वही पूछते हैं, अच्छा ठीक है वैसे दे तो बनाए, तो फिर ट्रेंच रिपेयर के हिसाब में बनाओ। देखिए जी, हमने तो एक हमारे वहाँ रोड आज बनते हैं तो कल खड्डे बनते हैं, हमने भी देखा है। हमारे वहाँ मंडल है, गणेश उत्सव है, देवी का उत्सव है, या कोई मस्जिद का उत्सव है, बहुत कुछ उत्सव है, रोड बनते हैं खड्डे होते हैं। तो वो कॉन्ट्रेक्टर क्या करता है, अरे मैंने तो रोड बनाया, खराब तो आपने किया, मैं क्यों डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड ले लूं। तो ये बहुत कुछ चीजें ऐसी रहती है। धन्यवाद। इसमें एक चीज बड़ी इम्पोर्टेंट सामने आई, जैसे रोड में हम लोग देखते हैं कि रोड के अलावा जैसे टोल टैक्स होता है, तो वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है और उसमें बड़ा खेल होता है। टोल टैक्स में क्या होता है, डीपीआर एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है हर रोड बनने से पहले कि भाई कितने साल तक इसका खर्चा निकाला जाएगा। अब उसमें क्या होता है, जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल 13 सड़कें जो हैं अभी वो ऐसी निकली हैं जो पिछले 10 सालों में जिसका खर्चा जो है वो जितनी लागत लगी थी उससे दुगना और किसी किसी में 4 गुना तक उसका पैसा वसूल हो चुका है। उन 13 रोडों को बनाने में करीब 4,300 करोड़ रुपए खर्च हुए थे जो उसकी लागत थी, और अभी तक वो वसूली कर चुके हैं 5,300 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है उन रोडों पर। अब जो डीपीआर है, डीपीआर में क्या खेल हुआ है, उसमें लिख दिया है कि वो अभी 7 साल और लगेंगे, तो उस हिसाब से वो लोग 7 साल और वसूली कर सकते हैं। किसी किसी रोड में तो 23 साल तक का प्रोविजन है, मतलब अभी दुगना कर चुका है जो आदमी, अगर मिनिमम दुगना कर चुका है तो आप सोचिए 23 साल तक अभी तक उनके पास और कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये भी एक इसकी अलग कहानी है रोड के साथ, जो टोल का जो ये होता है भ्रष्टाचार होता है उसमें डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ही खेल हो जाता है, और उस पर भी नजर रखनी चाहिए कि भाई आम आदमी उसको पैसा दे रहा है। आप देखिए, आप हर आदमी जाता है, आम आदमी पैसा देता है, जबकि उसका ऑलरेडी सब निकल चुका है। सरकार रोड को बनाने के लिए आपसे टैक्स में भी पैसा ले रही है, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी जा रहे हैं आपके। तो ये जो है ये एकदम सही बात है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में इतना लिया जाता है, वो वैल्यूएशन नहीं लिखते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ अंदाजा लिखते हैं कि यहाँ से सिर्फ 100 गाड़ियां जाएंगे, असली में वो 1,000 गाड़ी जाते हैं उस रोड से। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये अभी अभी इसमें हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिनको हमने विश्वास से चुन के दिए हैं या थ्रस्टिस बनाया जाता है, वे ही हमारे थ्रस्ट निकाल देते हैं तो क्या करें। दूसरी जो बात है, ये साथ वो कहते हैं कि ये रोड रिकवरी का हमने ले लिया, लेकिन मेंटेनेंस को खर्चा होता है ना, तो वो खर्चा होता है कि हमको और ज्यादा लगेंगे करके आर्ग्यूमेंट है। लेकिन ये जब तक, मैं यही कह रहा हूँ, जब तक इसमें लोग पार्टिसिपेट नहीं होंगे, हमारे वहाँ पार्टिसिपेशन के लिए उतना ज्ञान भी नहीं है, उतना लोगों का हिम्मत नहीं है बोलना है ने, वो कल मुझे खाने का बारे में प्रॉब्लम है तो वो बेचारा क्या करेगा। तो मैं ये दोष लोगों को भी नहीं देता हूँ, ये अपनी तरफ से या जैसे बहुत ही तो गवर्नमेंट अपने आप सब कुछ पब्लिश करेगी, सब कुछ वेबसाइट में लाएगी, या वेबसाइट में लाने से भी वेबसाइट को लिंकिंग नहीं करते हैं, तो ये सब जब तक नहीं आएगा। अभी मैं आपको बोलता हूँ, मैं मुंबई में कम से कम मैंने जब ये सूचना अधिकार आया, मैं 2005 में आया, 2006 से मैंने सोशल ऑडिट के बारे में मीटिंग्स ले रहा हूँ। मैं खुश नहीं हूँ, अभी इतने मैंने मीटिंग्स ली है, लेकिन उतने आदमी लोग अभी तक तैयार नहीं हुए। आप जान के लीजिए, मैंने अभी इधर समझो कि ये गाइडलाइंस मैनुअल पब्लिश करने में मुझे कम से कम 2 साल लगे। पब्लिक अथॉरिटी एक अधिकारी आया था तो हमने कहा कि भाई कम से कम गाइडलाइन आप देखिए, बृहन्मुंबई महानगर पालिका के गाइडलाइन 2015 के 2008 में एक बार हुए, 2015 में हो गए, तो आप देखिए कि कोई तैयारी नहीं है गाइडलाइन पब्लिश करने, और ये गाइडलाइन अभी भी
मुंबई में लोग यूज नहीं करते हैं, बस आते हैं पानी भर गया है, पानी ये हो गया, बात बताते हैं, पानी जब अंदर जाता है समंदर में जाता है तो आराम से बैठे हैं वापस। तो ये लोगों का ये टेक्निकल, इसमें आप जब भी आप कंटेस्ट नहीं करोगे कोई भी पब्लिक अथॉरिटी सुधरेगी नहीं। और ये जो आपने टोल की बात कही, अभी आप देखिए मुंबई में मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, इसके बारे में कितने लोगों ने काम किया है, पब्लिश किया है, रिकॉर्ड पब्लिश किया है, टोटल कलेक्शन पब्लिश किया है। अभी तो ऑटो सिस्टम हो गया है, फिर भी टोल तो कलेक्ट होते जा रहे हैं, हर साल टोल का रेट बढ़ जाता है, तो यानी कलेक्शन भी ज़्यादा हो गया है। ऐसा नहीं कि कलेक्शन, लेकिन वो बोलते हैं कि अरे यार हम मेंटेन करते रहते हैं, आप तो सिर्फ कॉस्ट रिकवरी बताया, लेकिन मेरा मेंटेनेंस भी होता है ना तो उसके लिए लगता है। यानी ये जो चलता रहेगा, मुझे लगता है कि ये चलता रहेगा और अपना काम हम करते रहना चाहिए, लेकिन सिर्फ अगर हम बात करते रहें तो भ्रष्टाचार होता है, नहीं करके नहीं है। मैं ये भास्कर प्रभु जी, एक हमारे बीच में विनोद गौतम जी हैं, बार बार हैंड रेस कर रहे थे, ये कुछ अपना बताना चाहते हैं। इनकी एक पीडब्ल्यूडी एक रोड थी जिसके विषय में भी एक जानकारी शेयर करना चाह रहे। दत्ता जी का भी एक सवाल था, बिल्कुल सही बात है, पहले दत्ता जी का ही सवाल पूरा हो जाए। जी दत्ता जी आपका स्वागत है, आप पहले अपने बारे में बताएं, पहली बार जुड़े हैं, कहां से सर हैं? सर मैं डॉक्टर चंद्रशेखर दत्त वेस्ट बंगाल से हूं सर, इसके पहले भी मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं सर, एंड माय रिगार्ड्स टू ऑल द